नमस्कार, आदर्श हिमाचल पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आदर्श हिमाचल के बुलेटिन पर। कांग्रेस अनुसूचित विभाग का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मंत्री यादविंदर गोमा से सचिवालय में उनके कार्यालय में मिला और उन्हें शॉल टोपी और संविधान की प्रस्तावना की कॉपी भेंट की। साथ ही अनुसूचित जाति से मंत्री बनाने पर मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया। इस दौरान यादविंदर गोमा ने कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग का आभार जताया और समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का आश्वासन दिया। मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि पूर्व में भी अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उस दौरान भी समाज के उत्थान के लिए कार्य किया था और तब उन्हें मंत्री बनाया गया था। वह सभी लोगों के साथ मिलकर अनुसूचित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। वहीं दिल्ली में हाल ही में हुई कांग्रेस की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और सीपीएस सहित वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाना है, इसको लेकर चर्चा हुई है और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जो हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार है, उसे जनता के बीच लेकर जाएंगे और लोकसभा की चारों सीटें इस बार कांग्रेस ही जीतेगी। देखिए, जब मैं पिछली बार विधायक नहीं था तो पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष एससी मोर्चे का बनाया था और हमने उस समय भी, ये सब साथी जो हैं आज मेरे साथ खड़े हैं, उस समय भी हमारे साथ सारे काम कर रहे थे और हमारे जो अनुसूचित जाति के लोगों की जो समस्याएँ थी, उनकी जो वहाँ पर कमियाँ थी, उसको हमने समय समय पर सरकार को भी अवगत कराया, अपने पार्टी के लोगों को भी अवगत करवाया और आज सभी ये लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और नंदा जी जो हैं अब इन्होंने कार्यभार संभाला है, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याएं होंगी, जो भी कमियां रह गई हैं समाज में, इनके साथ मिलके जो है हम सरकार के समक्ष उठाएंगे और उन समस्याओं को जो है अपनी ओर से पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो मीटिंग अभी हाल ही में AICC ऑफिस दिल्ली में हुई थी और सभी प्रदेश के हमारे आला नेताओं को बुलाया था, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी जी सभी वहाँ मौजूद थे, मिनिस्टर्स के साथ साथ CPS को भी बुलाया था और विस्तृत रूप से वहाँ पर लोकसभा के चुनावों को लेकर चर्चा हुई है कि किन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो है वो लड़ेगी, किस एक्शन मोड पे आएगी और जो केंद्र की जो हमारे प्रदेश के साथ जो एक द्वेष भावना है, जिस तरीके से एक इग्नोर किया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा की है और कई पार्टी को आगे ले जाने के लिए और चारों सीटों में चुनाव किस प्रक्रिया से लड़ना है उसके बारे में जो है विस्तृत रूप से जहां वहां पर जो है विचार विमर्श हुआ। कुछ उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं और कुछ सभी हमारे मंत्रीगण और CPS और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने विचार रखे हैं, तो एक संयुक्त बैठक हुई है। अब आने वाले समय में जो है उसके अनुसार जो है वो यहाँ पर काम होने वाला है। देखिए, आज अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत खुशी का दिन है, खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के अंदर दो कैबिनेट मिनिस्टर्स और एक हमारे डिप्टी स्पीकर साहब और दो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को जो है इंक्लूड किया गया है। एक जो पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन की बात हमेशा जो है हम सरकार के साथ करते रहते थे, आज जो है सरकार ने अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। आज हम SC डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश गोमा जी को जो है सेक्रेटरी एडमिन के ऑफिस में बधाई देने हम सब लोग पहुंचे हैं और जो भी हमारी अनुसूचित जाति की समस्याएं होंगी जो संगठन के माध्यम से मुझ तक पहुंचेगी, मैं जो हमारा SC लीडरशिप है, चाहे डॉक्टर कर्नल धनराम छांडल जी हैं, चाहे यादविंदर गोमा जी हैं, चाहे विनय कुमार जी हैं, चाहे हमारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मोहन लाल ब्राक्टा जी, किशोरी लाल जी हैं, उनके माध्यम से जो है उनको हल कराने का पूरा प्रयास करें। 2022 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश का जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसने बढ़ चढ़ के जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट किया है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि लोकसभा में भी जो ये वोट बैंक है, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का ही वोट बैंक है, इसको हम कायम रखें और हर चारों जो हमारी पार्लियामेंट की सीट्स हैं इसमें हम उनको बढ़त दिला सकें।